जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज जो विषय लेकर आपके सामने आया हूं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निहायत ही चिंताजनक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा क्या है? बीजेपी की आत्मा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और यही नहीं, जो फुट सोल्जर्स जिनका सीधा नाता विचारधारा के साथ है वो आरएसएस वाले हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी समर्थकों में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो मौका परस्त हो सकते हैं, मगर आरएसएस हमेशा से ही, मजबूती से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती है। आरएसएस कहने को एक गैर राजनीतिक संस्था है, मगर हमेशा से ही वो राजनीति में पूरा दखल रखती है। और यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक एक बात का वजन होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मोहन भागवत ने कहा क्या है। मोहन भागवत कहते हैं कि ये देश में शांतिकाल चल रहा है और शांतिकाल चलने के बावजूद सीमा पर जवान मर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध आता होता है। अपने यहां पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। दोस्तों, ये जो बयान मोहन भागवत ने दिया है ना, ये बहुत बड़ा बयान है। ये टिप्पणी सेना के खिलाफ नहीं है, ये सेना पर टिप्पणी नहीं है कि शांति काल में भी हमारे सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं। वो पॉलिसी को लेकर, नीति को लेकर सीधा हमला मोदी सरकार पर बोल रहे हैं। और ये हमला गंभीर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सैनिकों की शहादत, सैनिकों के जज्बे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया। जब जेएनयू प्रकरण हुआ, देश विरोधी नारे लगे, तब सैनिकों का नाम इस्तेमाल किया गया कि देखिए हमारे सैनिक बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं। जब नोटबंदी में लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे थे तो लोगों को ये ताने दिए जाते थे कि हमारा सैनिक तो बॉर्डर पर खड़ा है। और इससे भी बड़ी बात, साल 2013 में रेवाड़ी में एक रैली हुई थी, और वो रैली जिसमें खुद जनरल वीके सिंह शामिल हुए थे, जो बाद में उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा, उस रैली में प्रधानमंत्री ने सैनिकों को यह वादा किया था कि मैं आपके दुख सुख का साथी हूं। और सैनिकों का तो बार बार जिक्र किया है, अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं सैनिकों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। और उस मोर्चे पर मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। गौर कीजिएगा इस बात पर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज है। अब तक तो मेरे जैसे एंटी नेशनल्स ही कहते थे क्योंकि सैनिकों के नाम पर आपने बड़ी बड़ी बातें तो की, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, मगर वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों से रोक नहीं सका। आप लगातार कांग्रेस पर हमला करते रहे, आम आदमी पार्टी पर हमला करते रहे, विपक्ष पर हमला करते रहे, मगर सैनिकों को लेकर किसी और ने नहीं बल्कि पूरी संघ बिरादरी के गॉडफादर मोहन भागवत ने आप पर हमला किया है। और ये इकलौता हमला नहीं है दोस्तों। अब भैया जी जोशी के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने तंज किया है, ताना मारा है भारतीय जनता पार्टी पर। और क्या कहा है इसमें, उन्होंने कहा है कि साल 2025 तक राम मंदिर बन जाएगा और उसके बाद देश में विकास होगा। दो चीजें दोस्तों गौर कीजिएगा। पहली बात, राम मंदिर पर जो ढीला या हीला वाली हो रही है मोदी सरकार को ले के द्वारा, उसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। दूसरा, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं।
यानी कि आरएसएस सैनिक के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर और तीसरा विकास के मुद्दे पर, इन तीनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहा है। और दोस्तों, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये तथ्य हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि सैनिकों के ऊपर क्या कहा था मोहन भागवत ने। दोस्तों, आपको इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। आपको देखना होगा कि अचानक मीडिया में इस बात को लेकर खबरें गर्म हो गई हैं कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती तो नितिन गडकरी कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। ये थ्योरी फ्लोट की जा रही कि भाई नितिन गडकरी से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उनसे ना चंद्रबाबू नायडू को प्रॉब्लम है, उनसे ना ममता बनर्जी को प्रॉब्लम है, और बीजू जो अपने नवीन पटनायक हैं और अन्य तमाम जो विपक्ष में हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को भी शायद उनसे प्रॉब्लम नहीं है। इन तमाम नेताओं को प्रॉब्लम किससे है? मोदी से है। तो अभी से नितिन गडकरी का नाम फ्लोट किया जा रहा है। बार बार आरएसएस की तरफ से ये खबरें प्लांट की जा रही हैं कि नितिन गडकरी आरएसएस जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो यह है वो चौथा मोर्चा जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। यह इत्तेफाक नहीं है। और इसकी वजह क्या है दोस्तों? देखिए, आरएसएस चाहे जितना भी दावा कर ले कि वो गैर राजनीतिक है, वो चाहते हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री है, खासकर बीजेपी की तरफ से, वो उनके काबू में रहे, उनके नियंत्रण में रहे। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंदाजे बयां है उसमें दिक्कत ही उभर कर आ रही है कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं दोयम दर्जे पर चली गई। और आपको याद होगा, मोहन भागवत ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि हिंदू राष्ट्र भी बगैर मुसलमानों के, बगैर अल्पसंख्यकों के संभव नहीं है। यानी कि जो तल्ख तेवर अपनाए जा रहे थे मोदी और उनके आसपास के मंत्रियों द्वारा अखिलियतों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उस पर भी मोहन भागवत हमला कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सियासत के मर्म पर बार बार आरएसएस वार कर रहा है। और यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है दोस्तों, इस पर आपको गौर करना होगा। क्योंकि अगर आपको समझना है कि संघ क्या सोचता है तो आपको गौर करना होगा भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो क्या मान रहे हैं। इस वक्त मार्गदर्शक मंडल जो हैं, चाहे वो आपके अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, पूरी तरह से खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। इनसे जो पत्रकार बात करते हैं निजी प्राइवेटली, उन्हें पता है कि उनमें किस कदर असहजता है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों क्या महसूस करते हैं तो आपको गौर करना होगा आडवाणी और वाजपेयी के सबसे करीबी संघ प्रिय गौतम, जो कि बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, उन्होंने क्या कहा था। दो बातें कही थी उन्होंने। पहला, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया जाए और नितिन गडकरी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी कि वो चाहते हैं कि बीजेपी पर मोदी और अमित शाह का जो एक दबदबा है वो खत्म हो जाए। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि अमित शाह किसी भी पोजीशन ऑफ पावर में रहें, ताकत वाली स्थिति में रहें। क्योंकि अगर अमित शाह साफ हो जाएंगे तो मोदी जी की ताकत वहीं से कुंद हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नितिन गडकरी होते हैं तो उससे क्या होगा कि जो विपक्ष इस वक्त बीजेपी से नाराज है मोदी की वजह से, वो भी धीरे धीरे झुकने लगेगा बीजेपी की तरफ। क्योंकि एक बात तय है, 2019 में कोई चमत्कार हो जाए तो हम नहीं कह सकते, मगर बीजेपी अपने दम पर तो सरकार नहीं बनाने वाली है। तो ये तमाम चीजें एक लड़ी से बंधी हुई हैं और आपको इस पर गौर करना होगा। और संघप्रिय गौतम का दूसरा बयान भी बहुत दिलचस्प है। वो ये कहते हैं, बीजेपी में इस वक्त सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा है और किसी की आवाज नहीं सुनी जाती। ये सिर्फ संघप्रिय गौतम की राय नहीं है, ये पार्टी के पुराने नेताओं की राय है, जिनका ताल्लुक इस नई बीजेपी की सोच से नहीं है। वो बीजेपी जो उग्र है, वो बीजेपी जो भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करती, वो बीजेपी जिसे जीत चाहिए किसी भी कीमत पर। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है कर्नाटक में, दो बार मुंह काला करवा चुकी है बीजेपी, ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू कर चुकी है, और पार्टी के तमाम चाणक्यों के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पा रही है।
कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कि हमें 15 दिन लगेंगे कमलनाथ सरकार गिराने के लिए। ये किस तरह का अहंकार है? और यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को असहज कर रहा है। आरएसएस ये भी जानती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का जो सबसे मजबूत हथियार था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो कुंद पड़ गया है, वो खत्म हो गया रफाल मामले के सामने आने के बाद। क्योंकि रफाल मामला क्या है ये शायद देश के 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर चौकीदार ही चोर है ये जो नारा है वो घर घर जा रहा है, वो मासेस में जा रहा है। और ये चिंता है आरएसएस की, क्योंकि अब रफाल में एक नया मामला उभर कर आ गया है कि 126 की जगह 36 जो हमने लड़ाकू विमान खरीदे थे, वो उसके कॉस्ट्स किस तरह से एस्केलेट हुए 1.3 अरब यूरो से। ये रिपोर्ट है हिंदू की और इसने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से अनिल अंबानी को इस डील में प्रवेश करने के लिए, उन्हें लाने के लिए दबाव डाला गया फ्रांस सरकार पे। फ्रांसवा ओलांद पूर्व राष्ट्रपति इस बारे में कह चुके हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं और आरएसएस को भी इस बात का आभास है। इसलिए आज बोल के लब आजाद है तेरे में मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, क्योंकि आरएसएस उनसे नाराज है। बोल के लब आजाद है, मैं बस इतना ही। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और न्यूज़ क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।